से आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, तो यहीं से आप लोग सबको बोल रही हूँ कि वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं फाइल्स कर। अभी हम आए हैं रामाकुंडम की छोटू सा नर्सरी है, यहाँ पे साइड बाय साइड अंकल बैठते हैं, अलग अलग है लेकिन एक साथ ही है, तो आपको जैसा पसंद है आप ले सकते हो। और इस सीजन पे मतलब ये सीजन पे अच्छे वाले पौधे मिलते हैं यहाँ पे बहुत सारे, आपको अगर इंडोर प्लांट चाहिए तो ऐसा भी मिलता है और आप तो देख ही सकते हो यहाँ पे। आप स्क्रीन में थोड़ा दिखा दो, यहाँ पे हम रंगों की बोलते हैं तो फ्लावर्स का भी बहुत सारा वेजिटेशन है, अच्छा लगा है। देखते हैं, पहले भी मैं लेके गई हूँ तो आज देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। हमने प्लान तो किया था कि थोड़े पहले ही आ जाए तो अच्छे से दिखा पाती, लेकिन नहीं हुआ, टाइम थोड़ा लेट हो गए हम। Hey friends, तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और हम बस 10 ही मिनट हुए हैं घर पे आए हैं। एक्चुअली हिरन में आने के बाद वापस थोड़ा शॉप पे गया है, वो टाउनशिप के अंदर ही एक शॉप है जो ग्रोसरी का शॉप मैंने दिखाया था लास्ट ब्लॉग पे, वहां पे गया है। कुछ छोटी चीज है जो जरूरत की वो लेने के लिए, और वो उसके आने के बाद हम दोनों थोड़ी सी चाय पियेंगे और उसके बाद है कुछ अनोखे काम करना। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा नहीं सुना कि विश्वकर्मा पूजा और महालया दो एक साथ एक ही डेट पे सेम डेट पे आए, लेकिन इस साल ऐसा हो रहा है। इस साल तो सभी कुछ अनोखा ही हो रहा है, तो इसी वजह से आज रात को हमको थोड़ा सा कुछ खाना वगैरह बना के रखना है, क्योंकि मेरे ससुराल में ये एक रिचुअल है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन दिन में एक्चुअली दिन के टाइम पे हम चूल्हा चौका नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमको पहले ही दिन कुछ खाना बना के रखना पड़ता है जो कि सूरज रहते जितने टाइम तक रहेगा तब तक हम कुछ पका नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कुछ बना के रखेंगे, जैसे कि थोड़ा सा चावल बना के रखना है, उसके साथ दाल और थोड़ा सा कुछ फ्राई करके रखना है, ताकि मतलब ये सारी चीजें रह जाती है। ज्यादा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि एक तो मैं ये पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि पिछले साल उतना कुछ मतलब मेरी सासू माँ ने मुझे कभी किसी भी रिचुअल के लिए ऐसा नहीं कि तुम्हें करना है ऐसा कुछ प्रेशराइज नहीं किया था, तो मैंने खुद से ही उनको बोला था कि नेक्स्ट टाइम मुझे जरूर बताना, तो उन्होंने इस बार मुझे वो रिमाइंडर दिया है, तो मुझे भी करना है, मुझे अच्छा लगता है सारे रिचुअल्स को फॉलो करना, तो उस हिसाब से मैं मुझसे जितना हो पाएगा मैं वो कर मतलब कोशिश करूंगी। और आप लोगों से बकबक करते करते हिरन में भी आ चुका है, तो चलिए चाय पीते हैं और उसके बाद आगे का क्या बनता है किचन में आज कल के लिए वो दिखाऊंगी, तो चलिए। और यहाँ पे दाल ऐसे ही बॉयल हो गया है, मैंने प्रेशर कुक नहीं किया है आज क्योंकि ऐसे ही बनाते हैं। बंगाली में एक है 5 फोड़न, उसके साथ और ये सूखी मिर्च देखो मैंने दिया था उसके साथ, और सिर्फ हल्दी नमक बस। और मैं अभी क्या कर रही हूँ, ये जो दाल अभी हो चुका है इसको थोड़ा सा स्मैश कर रही हूँ क्योंकि ये दाल पूरा सूख जाएगा। यहाँ पे चावल भी होने को आया है, थोड़ा सा और होगा। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 9:45 और मैं जैसा आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे ससुराल के रिचुअल के हिसाब से आज मुझे कुछ कुक करके रखना पड़ेगा, तो वही सब प्रोसेस अभी किचन में चल रही थी, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने स्टार्ट ही बहुत लेट किया, करीबन 9:22 9:30 ऐसा ही कुछ मैंने स्टार्ट किया, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा, लेकिन चलिए तब तक दिखा देते हैं कि आज नर्सरी से मैंने
क्या पौधा लिया? आज कुछ ज्यादा पौधा नहीं लिया, लेकिन बाद में प्लान है कि कुछ लाऊंगी मैं। तो चलिए आज क्या क्या लिया वो मैं दिखा देती हूँ आप सबको। तो यहाँ पे है मेरी सारी नई बेबीज। तो यहाँ पे आज मैंने क्या क्या लिया है आप देख सकते हो। यहाँ पे है एक छोटा सा पम ट्री। मुझे बहुत दिनों से पम ट्री लेना था, लेकिन मतलब मुझे बड़े बड़े मिल रहे थे, लेकिन इंडोर प्लांट के लिए, एक्चुअली मुझे इंडोर प्लांट चाहिए था, और इंडोर प्लांट्स के लिए मुझे ज्यादा बड़ा पम ट्री नहीं चाहिए था। मुझे उतना बड़ा झाड़ उतना ज्यादा पसंद नहीं है। आई नो कि ये भी शायद एक दो साल में बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं रख सकूंगी इसको, उसके बाद शायद इसे मैं ट्रांसफर कर दूं। तो मैंने एक पम ट्री लिया है, और ये है ऑरेलिया, इसका मैंने दो लिया है, ये भी इंडोर प्लांट्स है। और ये मैंने मैं पहले ही देख के आई थी, मुझे इसका ये जो ड्यूअल टोन है ना ग्रीन के साथ व्हाइट का, मुझे और ग्रीन में दोनों को ही बहुत पसंद आया, तो ऐसा मैंने दो ले लिया। और ये क्या नाम था ना, एस से क्या नाम था इसका, सिग्नो कुछ ऐसा कुछ नाम है इसका जो मैं भूल गई हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिख के दे दूंगी। तो वो है ये बेंगोली जो है उनको मालूम होगा, ये कोचू पाता टाइप का दिखता है, नहीं शायद उसी का कुछ फैमिली मेंबर होगा। तो ये भी इंडोर प्लांट है, और मुझे जितना मालूम है कि ये किसी भी घर के किसी भी कॉर्नर पे आप इसे रख सकते हो, ये लो लाइट को टॉलरेट कर सकती है, और होम जो टेम्परेचर है उसके साथ भी आराम से ये रह जाएगा। तो हाँ, इसे पानी देना याद करके करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इसका इश्यू नहीं होता, और आप भी ये ले सकते हो। तो ये मैंने लिया है, ये एक्चुअली नया आया था, मुझे देख के पसंद आया और याद भी आया कि हाँ चलो ये ले सकते। और ये सब जिसके अंदर मैं बैठा के मैं लाई हूँ वो क्या है, वो एक रेड कलर का गमला है। एक्चुअली घर के कुछ काम के लिए मुझे ये चाहिए था, तो आज सोचा कि आज ही क्यों ना लेके आ जाती हूँ। और भी कुछ सामान मैं लाई हूँ आज, लेकिन वो सारे ही बहुत ही घरेलू चीज है, वो मैं आप नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन ये सारे मेरे नए बेबीज है, तो इन सब के साथ तो आप लोगों को मतलब मिलवाना ही था। तो मैं पहले ये सारे इंडोर प्लांट्स अच्छे से प्लेस कर लूं, उसके बाद सबके साथ वापस इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो ऑलरेडी मेरे पास और भी दो जो प्लांट्स है उनके साथ भी आप लोगों को मिलवाना है, और इन बेबीज के साथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो तो मैं दिखाना भूल ही रही थी, वो है ये। इनके अलावा ये कहाँ पे बैठेंगे, तो मैंने ये भी ले लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद ये लगेंगे, तो मैंने ऐसा तीन छोटू वाला लिया है, ये जो छोटे पौधे इसके लिए, और एक बड़ा वाला, ये तो बहुत कॉमन चीज है, तो ये ले लिया मैंने, और एक लिया है ये। तो चलिए बस आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, और मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ। और कल का दिन हर बंगालीज के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि कल है मोहालया। सो नहीं, आज मैं मोहालया के लिए कुछ नहीं बोलूंगी, आज सिर्फ विश्वकर्मा पूजा के लिए सबको ढेर सारी बधाइयां, सब अच्छे से एंजॉय करो, अपने अपने घर पे एंजॉय करो। और ओके चलो बाय, गुड नाइट, और हाँ मेरा ये ब्लॉग